नमस्कार दोस्तों, समस्तीपुर दरभंगा डबलिंग अपडेट में फिर से एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट होने वाली है दोस्तों, वो है पिछले वीडियो के अनुसार उससे आगे की अपडेट। पिछले वीडियो में आपने दोस्तों देखा था कि समस्तीपुर और दरभंगा के बीच एक किशनपुर और अम्बद्दरपुर सेक्शन के बीच में एक एलसी के पास सड़क से ट्रैक को गुजारा जा रहा था, जिसके लिए सड़क का जो हाइट था वो ट्रैक जो बीच रहा था उसके लेवल में काफ़ी ज़्यादा था, जिसके कारण उसको तोड़कर ट्रैक को लेवल में लाकर फिर बिछाया जा रहा था। और आज की इस अपडेट में आप देख सकते हैं कि इस पे बिछा है नहीं बिछा इसकी अपडेट। बाकी पिछले वीडियो में तो आपने ये भी देखा था कि ट्रैक जो बिछ रहा था उस पर गिट्टी गिराई गई थी। उससे आगे की अपडेट इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि ऐसे ही रेलवे रिगार्डिंग आपको वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आपने देखा था पिछली वीडियो में जो सड़क को तोड़कर लेवल में किया जा रहा था, और अब देख सकते थे हैं कि ट्रैक को पूरी तरह से बिछा दिया गया है सड़क पे, और दोनों साइड अभी फिलहाल छोड़ दिया गया है और इसको अटैच किया जाएगा इस दोनों सड़क के जो ट्रैक बिछा हुआ है उस पे, और इस साइड जो रामभद्रपुर साइड अभी तक गिट्टी नहीं गिराई गई है। दोनों को जैसे ही अटैच किया जाएगा इस पटरी को दोनों साइड से, फिर उस पर ट्रेन को लाया जाएगा मालगाड़ी, और उसके सहारे गिट्टी को इस साइड भी गिराया जाएगा। और दोस्तों, साइड से इसका जो इमरजेंसी लॉकर है लॉक, उसको भी लगाया गया है। बहुत जल्दी आपको रामभद्रपुर और किशनपुर की दोहरी करेक्ट प्रक्रिया कंप्लीटेड देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि बहुत फास्ट काम हो रहा है। और ये जो फाटक है, ये जो ग्रिल टाइप का लगा हुआ है दोनों साइड, जो उसको एक साइड से तोड़कर दोहरी करने का जो डबलिंग का ट्रैक बिछाया गया है उसको, उसके बाद ये लगाया जाएगा। और जैसे ही ये ट्रैक को भी अटैच करने के बाद इस पर मालगाड़ी गिरा के आपको रामभद्रपुर तक इसको गिट्टी गिराया जाएगा। और ये जो 6B LC केबल क्रॉसिंग गेट है उसके आगे एक बनर वाली गुमटी है, वहाँ पे भी सड़क तोड़कर उस पर ट्रैक गुजारा जाएगा।
तो देखते हैं नेक्स्ट अपडेट हो सके तो वहाँ पे काम जैसे ही चलेगा मैं अपलोड कर दूँगा। तब तक के इस वीडियो में बस इतना ही अपडेट। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप समस्तीपुर और दरभंगा की दोहरी प्रक्रिया में किसी भी स्टेशन सेक्शन का आप अगर अपडेट देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उस पर हम वीडियो बनाकर अपलोड करूँ और आप तक पहुँचाऊँ। चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।